हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी द लंचियन जिसे लिखा है विलियम समरसेट मॉम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो लंचियन क्या होता है लंचियन कहो लंच कहो एक ही बात है मीन्स दोपहर का खाना तो इस स्टोरी को लिखते हैं विलियम समोरसेट मॉम अपने फर्स्ट नरेटर के रूप में बताते हैं कि मैं एक नाटक देखने गया था और उस नाटक के दौरान उस प्ले के दौरान मेरी नज़र एक लेडी पे पड़ी और उस लेडी ने मुझे इशारे से बुलाया अपने पास फिर मैं उसके पास जाके बैठ गया अब राइटर कहते हैं कि काफ़ी समय हो गया था जब मैं उससे मिला था बीस साल हो गए थे उसके पहले मैं अगर उससे मिला था और अगर किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा होता तो शायद मैं उसको पहचान भी नहीं पाता क्योंकि इतनी ज़्यादा वो चेंज हो गई थी फिर लेडी कहती है कि अरे वाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के पता नहीं समय कैसे पंख लगा के उड़ जाता है ऐसा कहती है वो और आपको याद है आपने मुझे एक लंच के लिए इनवाइट किया था हमने लंच किया था साथ में इस तरह से वो पूछती है लेडी तो समर सेट कहते हैं अच्छा आ, याद है मुझे करके इस तरह कर सोचते हैं वो फिर राइटर हमें बताते हैं कि 20 साल पहले की बात है जब मेरा कंडीशन बहुत ही ख़राब था उस समय उस समय मैं पेरिस में रह रहा था और मेरा राइटिंग का स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था तो मैं लैटिन क्वार्टर में कब्रिस्तान के सामने एक छोटा सा अपार्टमेंट में रहता था और बस उतना ही कमा पाता था जितना कि मैं अपने शरीर और आत्मा को एक रख पाऊँ और मैंने बहुत सारी किताबें लिखी थी उनमें से मेरी एक किताब उसने पढ़ी थी और उसके बारे में उसने मुझे एक लेटर में लिखा था बहुत मेरी तारीफ़ करते हुए तो मैं उसकी तारीफ से बहुत ज़्यादा फ्लाइट हो गया था बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था फिर मैं उसे थैंक यू कहते हुए लेटर लिखा था जवाब दिया था फिर वो उस, उसका फिर से लेटर आता है और वो कहती है कि वो पेरिस से गुजर रही है और वो मुझसे मिलना चाहती है बातें करना चाहती है लेकिन उसके पास जो टाइम है बहुत ही लिमिटेड है तो लिमिटेड टाइम में जब वो लग्ज़मबर्ग आएगी लग्ज़मबर्ग एक सिटी है यूरोप में तो वो फोर्ट नाम का एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर तो उस फोर्ट में चाहती है कि राइटर उसे लंच के लिए इनवाइट करें और वहाँ वो मिल लेंगे इस तरह से वो लिखी थी तो राइटर उसे हाँ कह देता है फिर राइटर हमें बताते हैं कि जो फॉयर एक रेस्टोरेंट था उस सिटी में बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट था उसमें जो फ्रांस के सीनेटर्स लोग ही खाना खाने जाते थे और वो मेरे बियॉन्ड माई मीन्स था बहुत ज़्यादा मेरे मतलब उतना वो कमा नहीं पाते थे कि उस रेस्टोरेंट का वो बिल पे कर सके लेकिन उस समय कहते हैं कि मैं बहुत ही यंग था और किसी भी लेडी को ना करना मैंने सीखा नहीं था पता नहीं बाद में लोग कैसे सीख जाते हैं ना करना लेकिन उस समय तक तो मैंने ये सीखा नहीं था और मैं सोचता हूँ कि फिर उसके बाद मैं अनुमान लगाने लग जाता हूँ कि मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो सोचता है राइटर कहते हैं कि मेरे पास अस्सी फ्रैंक हैं और मैं सोचता हूँ कि मामूली सा लंच तो खिलाना है एक लेडी ही तो है कितना खाएगी तो एक मॉडस्ट सा लंच उसे तो खिलाना है तो शायद पंद्रह फ्रैंक लग जाए फिफ्टीन फ्रैंक लग जाए और अगर मैं दो हफ्तों तक काफ़ी पीना बंद कर दूँ तो काफ़ी हद तक मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ इस बिल को ऐसा वो सोचने लगते हैं फिर वो लेडी को आंसर करते हैं कि ठीक है वो गुरुवार को मिलेंगे फॉर्ट रेस्टोरेंट में अब वो लेडी आती है रा, राइटर भी जाते हैं रेस्टोरेंट में फॉर्ट रेस्टोरेंट में फिर जो राइटर ने बहुत ही मतलब बहुत ही यंग एज में थे राइटर तो वो अनुमान लगाए थे कि एक यंग सी लेडी होगी लेकिन उसे देख के उसके दिल के अरमा आंसू में बह गए क्योंकि लेडी उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार यंग नहीं थी और वो दिखने में उतनी आकर्षक भी नहीं थी वो बस एक चालीस साल की साधारण सी महिला थी तो राइटर लिखते हैं कि 40 साल का जो एज होता है वो भी काफ़ी आकर्षक एज होता है जिसमें लोग एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी मतलब इम्पोजिंग फिगर था काफ़ी लंबी चौड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा अपने दांत दिखा दिखा के हंस रही थी ज़रूरत से अपने दांत दिखा रही थी और वो काफ़ी बात करती थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी वो और लेकिन वो मेरे बारे में बात कर रही थी मेरे राइटिंग के बारे में बात कर रही थी राइटिंग स्टाइल के बारे में बात कर रही थी तो मैं सुन रहा था उसकी बातों को फिर मेनू uh, कार्ड आया मेनू कार्ड आया तो मैं वहाँ पर देखा मेन्यू जो uh, चीज़ों के दाम देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया बाप रे इतने इतना ज़्यादा बिल है इसका करके फिर uh, मेरे जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन था उसको लेडी ने समझ लिया और वो कहती है कि चिंता मत करो uh, मैं लंच के लिए कुछ भी नहीं खाती उसने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर राइटर उसे कहते हैं वो ऐसा मत कहो आप अब आए हो रेस्टोरेंट में तो आपको तो खाना ही पड़ेगा खाएंगे अच्छे से ऐसे करके वो कहता है राइटर फिर लेडी कहती है मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती और आजकल तो लोग पता नहीं कितना खा जाते हैं लंच में अगर थोड़ी मछली हो सलमन फिश हो तो शायद इनके पास सैलमन फिश हो मुझे आ, आ, आई वर कि इनके पास सलमन फिश इस तरह से वो कहती है लेडी कहती है जब वेटर आता है तो उस समय जो सलमान फ़िश का जो महीना नहीं था उस समय सीज़न में नहीं था सलमान फिश जो थी लेकिन वेटर से उसने पूछा कि है कि नहीं तो वेटर कहता है कि अभी अभी सुंदर सी एक सलमान फ़िश आई है और इसका हम डिश बनवा रहे हैं इस तरह से फिर मैंने ऑर्डर कर दिया अपनी मेहमान के लिए उस सलमान फ़िश को फिर वेटर ने लेडी से पूछा कि अब सालमान फ़िश को बनाने में तो टाइम लगेगा इस बीच आप कुछ खाना चाहेंगे करके तो फिर लेडी ने जवाब दिया नहीं 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 मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा तो खाती ही नहीं लम्ज से और जब तक आपके पास अगर कैवियार ना हो कैवियार हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कैवियार हो तो मैं खा लूँगी इस तरह से वो कहती है अब राइटर कहते हैं कि मेरा तो दिल ही बैठ गया क्योंकि वो जानते थे कि कैवियार बहुत ही महंगी डिश होती है कैवियार भी फिश से ही बनती है फ़िश के अंडों से बनती है इस तरह से है कैवियार तो फिश के अंडों से बनती है बहुत ही महंगी होती है लेकिन मेरे बजट के बाहर थी लेकिन फिर भी राइटर राजी हो जाते हैं और वो कैवियर ऑर्डर कर देते हैं फिर उस मेन्यू में वो देखते हैं अपने लिए सबसे सस्ती डिश खोजते हैं सबसे चीपेस्ट डिश खोजते हैं तो उनको नज़र आता है मटन चॉप तो अपने खुद के लिए वो मटन चॉप ऑर्डर करते हैं समरसेट मॉम फिर जो लेडी है उसके मटन चॉप के ऑर्डर को सुन के कहती है मुझे लगता है कि तुम मांस खाने के के लिए बहुत ही ज़्यादा नासमझ हो रहा है मांस खा रहे हो इस इस टाइम में तुम खा रहे हो मटन चॉप खा रहे हो इतना हैवी चीज़ तुम खा लोगे तो तुम काम कैसे करोगे इतना हैवी चीज़ नहीं खाना चाहिए दोपहर में इस तरह से वो भाषण देती है राइटर को फिर ड्रिंक की बारी आती है फिर ड्रिंक के लिए वेटर पूछता है तो फिर वो कहती है लेडी कहती है मैं लंच के लिए कभी भी कुछ नहीं पीती और ना तो इस तरह से फिर राइटर तुरंत कह देता है तपाक से कहता है कि नहीं और मैं भी कुछ नहीं पीता फिर लेडी कहती है अगर सफ़ेद शराब मिल जाए तो पी लेती हूँ तब आ, पी लेती हूँ बोलती है वाइट वाइन जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है डाइजेशन के लिए जो फ़्रेंच वाइट वाइन होती है ना वो बहुत ही हल्की होती है डाइजेशन के लिए पाचन के लिए बहुत ज़्यादा लाजवाब इस तरह से वो कहती है फिर मेहमान नवाजी दिखाते हुए जो हमारा राइटर है वो कहता है अच्छा बताइए आप क्या पीना चाहेंगी करके और आ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होकर नहीं बोलता एकदम संयत तरीके से वो बोलता है तो वो कहती है लेडी कहती है कि बहुत ही खुश होकर बोलती है कि एक्चुअल में मैं वाइट वाइन लेती हूँ लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे शैम्पिन के अलावा कुछ भी पीने से मना किया है तो इसको सुनते ही इस बात को सुनते ही जो राइटर का जो चेहरा है पीला पड़ जाता है क्योंकि वो जानते थे कि शैंपेन बहुत ज़्यादा महंगी ड्रिंक होती है तो ये है शैंपेन इस तरह से तो बहुत महंगी ड्रिंक होती है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर कहते हैं कि आ, अच्छा ठीक है मैं आधा बॉल बो, आधा बॉटल ऑर्डर कर देते हैं और फिर लेडी कहती है कि अच्छा तो आप क्या पियेंगे तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ पानी ही पीऊंगा मेरे डॉक्टर ने मुझे शैम्पेन पीने से मना किया बिल्कुल भी इस तरह से राइटर कहते हैं फिर डिश आती है कैवियार उसने कैवियार खा खाती है लेडी फिर सालमन फिश खाती है और फिर तरह तरह की बातें करती है लिटरेचर के बारे में साहित्य के बारे में और आर्ट के बारे में म्यूज़िक के बारे में बहुत खुश होकर बातें करती है वो और मैं बस चिंता में पड़े जा रहा था मरे जा रहा था कि पता नहीं बिल क्या आएगा जब मेरा मटन चाप आया तो मुझे मतलब मैं उसे खाने लगा तो मुझे घूर घूर के देखने लगी और कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि तुमको इतने हैवी खा लंच खाने की आदत है मुझे पता है तुम गलती कर रहे हो तुम मेरे एग्जाम्पल को क्यों नहीं फॉलो करते कि मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती लंच में तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए ज़्यादा हैवी लंच नहीं करना चाहिए इस तरह से वो लेडी भाषण देने लगती है फिर वो कहती है कि अगर तुम ज़्यादा नहीं खाओगे तो मुझे लगता है कि तुम बेहतर महसूस करोगे इस तरह से वो कहती है फिर कहती है कि मैं तो बस एक ही केवल एक ही चीज़ खाने जा रही हूँ फिर मैं कहती है, फिर राइटर कहते हैं किरा वेटर का जब बिल लेके आता है तो इशारे से वो बुलाती है और कहती है कि नहीं 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 मैं लंच के लिए तो कुछ भी नहीं खाती और बस एक निवाला ले लेती हूँ वो भी लंच इसलिए लेती हूँ क्योंकि बातचीत का एक बहाना बन जाता है और बातचीत के बहाने की वजह से मैं खा लेती हूँ वरना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाने में लंच में और अगर इनके पास एस्परेगस हो जो हो तो मैं खा लूँगी बोलती एस्परेगस एस्परेगस ये देखिए इस तरह का एस्परेगस होता है एक वेजिटेबल होता है तो अगर इनके पास हो तो मैं खा लूँगी क्योंकि अगर मैं पेरिस से बिना एसपेगस खाई चले गई तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा इस तरह से वो कहती है तो ब्राइटर कहते हैं मेरा तो दिल ही बैठ गया और मैंने देखा था दुकानों में देखा था कि आ, कितने महंगे होते हैं एसपेगस अक्सर उन एसपरेगस को देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता था फिर वो वेटर से कहते हैं राइटर मैडम जानना चाहती हैं कि क्या आपके पास वो जो लार्ज ये इस तरह से एसपरेगस होते हैं वो हैं करके तो आ, तो वेटर आता है और कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल हैं तो फिर कहते हैं कि बहुत ही अच्छे वेटर कहते हैं बहुत ही अच्छे एस्परागस आए हुए बहुत ही शानदार हैं बहुत ही कोमल है मुलायम हैं चमत, और चमत्कार से भरे हुए हैं वो तो वो लेडी कहती है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है बिल्कुल भी लेकिन आप बहुत ज़ोर दे रहे हैं तो ठीक है मैं स्परेगस खा लूँगी मुझे कोई एतराज नहीं है एसपरेगस खाने में फिर फिर वो लेडी पूछती है आप क्या खाएंगे तो राइटर कहते हैं कि नहीं नहीं मैं एसपरेगस नहीं खा सकता मुझे एसपेगस पसंद ही नहीं इस तरह से तो एक्चुअल में क्या है कि जो राइटर है वो लेडी के बिल को तो कम नहीं कर सकता था तो अपने में ही वो कटौती कर रहा था कि जिस तरह से भी बच जाए क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि जितने में वो दोनों के बिल को पे कर सके तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है तो बोलता है मैं एस्परागस नहीं खाऊँगा इस तरह से वो कहता है तो लेडी कहती है कि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्परेगस पसंद नहीं करते और एक्चुअल लेकिन बात ये है कि तुम अपने अपने पेट को इतना ज़्यादा मीट से भर लिया है मांस से भर लिया है कि तुम वो अब कुछ खा नहीं पा रहे तुम्हारा टेस्ट ख़राब हो गया है तुम्हारा तालु खराब हो गया है इस तरह से वो कहती है अब हम लोग एस्परेगस के पकने का इंतजार करते हैं एसपेगस उस किचन में पकते रहता है फिर मैं घबराते रहता हूँ घबराहट ने मुझे जकड़ लेता है जकड़ लिया घबराहट ने इस तरह से वो कहता है फिर कहता है कि पता नहीं मेरा बाकी का महीना कैसे गुजरेगा मैं कैसे अपना बिल को कर पाऊँगा इस तरह से राइटर बहुत ही परेशान रहता है अपने अंदर मन में सोचते रहता है कि उसके पास तो सारे पैसे तो इसी में चले जाएंगे तो फिर अपना वो मंथली जो एक्सपेंडिचर के लिए क्या करेगा इस तरह से वो सोचने लगता है उसे घबराहट होने लगती है फिर वो सोचता है कि आ, क्या मेरे पास बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं कि नहीं और अपने आपको दस फ्रैंक कम पाना और अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे उस बिल को देने के लिए और मुझे उस मेहमान से उस लेडी से अगर कुछ पैसे उधार लेने पड़ेंगे तो कितना ज़्यादा ये शेम फुल होगा शर्मनाक होगा इस तरह से मैं सोच रहा था फिर ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता उस लेडी से मैं पैसे नहीं मांग सकता फिर कहता है फिर मैं क्या करूं भाई अगर बिल आएगा तो क्या करूंगा तो क्या सोचता है कि मैं बिल में अपने जेब में हाथ डालूंगा और एक नाटक शुरू कर दूंगा कि अरे मेरी तो जेब कट गई है मैं क्या करूँ तो राइटर कहते हैं सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अजीब होगा और अगर क्या पता उस लेडी के पास भी पर्याप्त पैसे ना हो तो फिर मैं क्या करूंगा फिर शायद मुझे अपनी घड़ी छोड़नी पड़े और वहाँ पर मैं कहूँगा कि मैं वापस आऊँगा और फिर बिल को पूरा पे करूँगा इस तरह से मैं कहूँगा तो इस तरह से फिर ये सोचते ही रहते हैं राइटर तभी एसपरेगस आ जाते हैं वेटर उनको एसपरेगस सर्व करता है एसपरेगस बहुत ही आ, अच्छी डिश बना के लाते हैं उन लोग बहुत ही बड़े बड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा रसीले रहते हैं टेस्टी रहते हैं तो उस बड़े रसीले स्वादिष्ट इसको खाती है वो उसके मक्खन मतलब मक्खन में वो सीखे रहते हैं बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है उसको देख के राइटर का भी मन होता है कि वो भी स्परेगस खा ले, लेकिन वो पहले इनकार कर चुका रहता है कि मुझे तो स्प्रेगस नहीं खाना है तो वो कुछ नहीं कर पाता और फिर वो आगे बातें करते रहती हैं उन लोग अपने प्ले के बारे में बात करते हैं राइटर अपने प्ले के बारे में बालकन प्ले है उनके बारे में बात करते हैं फिर उसके बाद आ, मैं पूछता हूँ बोलते हैं राइटर पूछते हैं कॉफ़ी कॉफ़ी ऑर्डर करो तो कहती है हाँ बस कॉफ़ी और आइसक्रीम वो फिर आ, मतलब आइसक्रीम के बारे में तो राइटर ने पूछा ही नहीं था लेकिन वो कहती है आइसक्रीम और कॉफ़ी तो इस तरह से उसका जो बढ़ते ही जाता है उसका डिमांड बढ़ता ही जाता है बढ़ता जाता है एक तरफ तो वो कहते रहती है कि मैं कुछ नहीं खाती मैं कुछ नहीं खाती फिर बोलती है एक, एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती फिर लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है वो फिर उसके बाद अब राइटर कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा इस स्थिति में पहुंच गया था कि अब मैंने केयर करना ही छोड़ दिया था अब जो होगा देखा जाएगा तो फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया और उस लेडी के लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर दिया फिर आ, कहती है कि लेडी आइसक्रीम खाते कहती है तुम्हें पता है आ, हमको इतना ही खाना खाना चाहिए कि हमारे पेट में थोड़े ना थोड़े जगह रहे और हम कुछ और चीज़ खा सकें उसमें तो फिर राइटर सोचता है अरे फिर उससे लेडी से पूछता है अच्छा आप अभी भी भूखी हैं क्या कुछ ऑर्डर करूँ क्या इस तरह से राइटर कहते हैं तो लेडी कहते हैं नहीं 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 मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है तुम देखते तो हो मैं लंच के लिए कुछ भी नहीं खाती मैं बस सुबह ना एक कॉफ़ी पी लेती हूँ और फिर रात को सीधा डिनर लेती हूँ उसके बीच में कुछ भी नहीं खाती मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता अभी तो बातचीत करते करते मैं इतना खा ले रही हूँ नहीं तो मैं खाती नहीं बिल्कुल नहीं खाती इस तरह से कहती है और खा भी ले तो एक चीज़ से ज़्यादा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से वो बोल रही थी फिर राइटर कहते हैं अच्छा अच्छा मैं समझ गया बिल्कुल एकदम राइटर व्यंगात्मक लहजे में कहते हैं फिर एक भयानक बात होती है राइटर कहते हैं बहुत भयानक बात होती है जब हम कॉफ़ी का इंतजार कर रहे थे तो हेड वेटर आता है अपने झूठे चेहरे पर आकर्षक मुस्कान के साथ आता है और एक वो टोकरी पकड़े रहता है बड़ी सी टोकरी रखे रहता है और उस बड़ी सी टोकरी में बहुत सारे आड़ू रहते हैं पीचेस रहते हैं पीचेस इस तरह से होते हैं ये पीचे इस तरह से रहते हैं उस टोकरी से मैं भरा लेके आता है वो और आ, आ, तो पीचेस जब लेके आता है तो बहुत ही सुंदर पीचेस रहते हैं इतने सुंदर रहते हैं कि जैसे कि एक मासूम सी लड़की की जो स्माइल होती है उसका जो शर्माना होता है उस तरह से रहते हैं एक इटालियन राइटर कहते हैं बहुत अच्छा अच्छा इसमें सिमिली दिए हैं कि इटालियन जो लैंडस्केप होता है उसके कलर का रहता है पीचेस बहुत ही खूबसूरत रहते, है, रहते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं तो राइटर सोचते हैं अरे ये तो पीचेस का मौसम ही नहीं है तो पता पता नहीं भगवान ही जानता होगा इस पीचेस का रेट क्या होगा क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मौसम में ना हो तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है कोई भी फ्रूट का तो वो कहता है कि मैं इसका रेट तो नहीं जानता था लेकिन मुझे थोड़ी देर में इसका रेट पता चल गया क्योंकि मेरी जो मेहमान थी उसने अनजाने में ही एक पीचेस एक पीच उठा लिया था और उससे खाने लग गई थी वो तो फिर मुझे उसका बिल पे करना था तो मैं उसका रेट जान गया कि पीचेस कितने महंगे थे फिर इस तरह से फिर वो लेडी कहती है कि आप देखते हैं कि अपना मतलब कह, कहती है कि मैं पीचेस आप देख मैं देख रही हूँ कि आपने अपना जो पेट है पूरा मांस के टुकड़ों से भर लिया है और आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खा पा रहे हैं और मैं तो बहुत ही लाइट खाती हूँ मैंने अभी भी थो, थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया है इसलिए मैं अब ए, पीचेस भी इंजॉय कर रही हूँ पीच भी इंजॉय कर रही हूँ इस तरह से वो कह रही थी और फिर उसके बाद उसकी ने फिर मैं वेटर को बिल पे किया और मैं उस वेटर को मतलब जितने मेरे पास पैसे थे उतना मेरा मतलब पेमेंट हो गया लेकिन जो मेरे पास जो टिप देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे इस तरह से राइटर कहते हैं और टिप में मैंने सिर्फ तीन फ्रैंक दिए थे जो कि बहुत कम थे तो वो मुझे घूर घूर के देखने लगी लेडी तो मैं जानता था कि वो मुझे बहुत ही मीन समझ रही है मतलब ही समझ रही है कि वेटर को इतना कम टिप दे रहा दे रहा है ये राइटर तो लेकिन राइटर कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत ही कम उतने ही बचे थे जितना कि मैं उस तीन फ्रैंक बचे थे उसको मैंने वेटर को दे दिया था और मैं जब रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो पूरा का पूरा महीना था मेरे पास और मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी फिर उसके बाद जाने से पहले लेडी कहती है मेरे से हाथ मिलाती है और कहती है कि मेरा एग्ज़ाम्पल तुम फॉलो करो और कभी भी लंच के लिए एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाओ कभी भी हैवी लंच मत करो इस तरह से उसको वो भाषण देती है उसके बाद राइटर कहते हैं कि मैं इससे भी बड़ा काम करूंगा इससे भी बेहतर काम करूंगा आज मैं रात को खाना ही नहीं खाऊंगा इस तरह से राइटर कहता है तो लेडी हंसने लगती कहती अरे आप तो बहुत मजाक किया है आप तो सिर्फ बड़े मज़ाक किया हो अब बहुत ही ह्यूमरस है कहती है वो फिर ये जो कहानी थे बह बीस साल की कहानी पहले की कहानी राइटर बता रहे थे अब वो फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जब प्ले के दौरान वो लेडी से मिले थे और लेडी का फिजिक को देख के लेडी के स्ट्रक्चर को देख के वो कहते हैं कि मैं एक uh... बदला लेने वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं एक विंडिक्टिव इंसान नहीं हूँ कि जो किसी से बदला ले लेकिन मुझे पता है कि अगर भगवान ही बदला लेने पे उतर जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो बस परिणाम को देख सकता हूँ तो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बदला पूरा हो गया क्योंकि इस लेडी ने जिसने मुझे एक दिन कंगाल बना दिया था पूरा का पूरा और मेरे पूरा महीने के खर्च को वो एक ही बार में खा गई थी लंच में कुछ नहीं खाती हूँ कुछ नहीं खाती हूँ बोल के तो अब उस लेडी का जो वजन है वो वन किलोग्राम है तो इस तरह से राइटर कहते हैं मेरा बदला पूरा हो गया क्योंकि इस लेडी इस लेडी का जो वजन है उसमें अपने आप में उसका मेरा बदला पूरा हो गया इस तरह से राइटर कहते हैं तो ये बहुत ही ह्यूमरस ऐसे है आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच